जय माता दी। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता देवी दुर्गा का पांचवा अवतार है। स्कंद माता का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद व माता, और इसका अर्थ होता है स्कंद की माता। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, जो कि महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ, और इसी प्रकार स्कंद माता पार्वती का ही एक रूप है। माँ स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। माँ एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं और उनके दूसरे व तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है। अपने चौथे हाथ से स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। स्कंद माता की सवारी एक शेर है और स्कंद माता विशुद्धिनी चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे भाग के ठीक नीचे होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत होता है और इससे सिद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का वाहन मयूर भी है, इसीलिए इन्हें मयूर वाहक का भी नाम दिया जाता है। इनका उनका वर्ण यानी त्वचा का रंग शुभ्र है। माता हमेशा कमल पर विराजित रहती हैं, इसलिए इनको पद्मासना देवी के रूप में भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाला व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त रहता है। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है कि माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए। इसी दौरान ताड़कासुर और सुरपद्मन नाम के दो राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई न था। ताड़कासुर और सुरपद्मन नामक राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उनको मारने के लिए शिव जी की संतान को आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान किया हुआ था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु भगवान विष्णु जी ने उनकी कोई मदद नहीं की। तब देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा, यदि वे माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लें। उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो राक्षसों का वध कर दे। इसीलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सरवाना झील में ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उसने ताड़कासुर और सुपद्मन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह हैं, उनमें से एक बहुत प्रचलित मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। माँ दुर्गा का स्कंद माता का अवतार हमें यह सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ना सिखाती है
और यदि जीवन में बुराई का सामना करने के लिए शस्त्र भी उठाना पड़े तो माँ उसका पूरा समर्थन देती है। इसीलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर चीज़ के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। जय माता दी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप सब नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसीलिए वह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण है शोध कार्य, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री रूप में ये प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है और ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्कर हैं। इनकी चार भुजाएं हैं। दाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। आइए जानते हैं माता कात्यायनी के बारे में खास बातें। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है और इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में छठ मैया कहते हैं। महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि की इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेकर महिषासुर का वध किया था। विजयदशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण ही मनाया जाता है, जो श्री राम के काल से पूर्व से चला आ रहा है और इस दिन अस्त्र, शस्त्र और वाहन की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान राम और श्री कृष्ण ने युद्ध के पूर्व माता कात्यायनी की पूजा करके उनसे विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह पर ही महाभारत के युद्ध के पूर्व माता कात्यायनी की पूजा की थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुज और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। यहीं पर आध्या कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ भी है, जहाँ के बारे में कहा जाता है यहाँ पर माता के केश गिरे थे। उनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट होते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है इस देवी की उपासना से परम पद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं नोटिफिकेशंस पाने के लिए। जय माता दी। नवरात्रि के सातवें दिन सातवीं शक्ति कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा कि इनके नाम से अभिव्यक्त है, कालरात्रि अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है।
नाम से ही जाहिर है इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है, अंधकार स्थितियों में विनाश करने वाली शक्ति है काल रात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। इस देवी के तीन नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है और ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिने की तरफ का नीचा हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहो यह आशीर्वाद देती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी कहते हैं। भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से भयभीत होकर दूर भागती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से भाग जाते हैं। ये क्रे बाधाओं को भी दूर करती हैं। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर करती हैं। इनकी कृपा से भक्त हर समय भय से मुक्त रहता है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोक में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी जी के पास गए। शिवजी जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी जी की बात सुनकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकलते रक्त ने लाखों रक्त बीज उत्पन्न कर दिए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से काल रात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को काल रात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनकी कृपा से भक्त हर समय भय से मुक्त रहता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं नोटिफिकेशंस पाने के लिए। जय माता दी। श्री दुर्गा जी का अष्टम रूप है श्री महागौरी। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसीलिए इनको महागौरी कहते हैं। नवरात्रि के अष्टमी पर इनका पूजन किया जाता है और इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल को भी प्राप्त किया जा सकता है। इनकी चार भुजाएं हैं। इनकी दाएं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली में त्रिशूल शोभित है। बाई भुजा में डमरू है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और एक बार भगवान भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी का मन आहत हो जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते खोजते भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं और पहुंचे तो देखते हैं कि पार्वती जी का तो अत्यंत रूप जो है ओजपूर्ण हो चुका है। उनकी छटा चांदी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई दे रही है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है और देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इनको स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं और यह देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम पड़ जाता है गौरी। महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था और भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था और देवी को देखकर उस सिंह की भूख बढ़ गई। तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वह
बैठ गया और इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। जब देवी तप से उठी और उन्होंने देखा सिंह की दशा, उनको बड़ी दया आई। माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की, इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं नोटिफिकेशंस पाने के लिए। जय माता दी। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को भी सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की चार भुजाएं हैं। दाहिने भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है। बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। माँ की सवारी सिंह है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की कृपा से बने महादेव अर्धनारीश्वर की पूरी कथा। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को नव दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इन्हीं की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने देखा, उन्होंने जिस ब्रह्मांड की रचना की है उसमें विकास की गति नहीं है। उन्होंने पाया कि पशु पक्षी और मनुष्यों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है तब आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया। ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने को कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से परमात्मा शिव संतुष्ट हो अर्धनारीश्वर के रूप में उनके समीप आए तथा उनके शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की तो ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी प्रकृति के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की, जिसने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर महादेव से विवाह किया। माँ सरस्वती का स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री और ये सफलता का वरदान देती हैं। माँ सिद्धिदात्री को विद्या की देवी माँ सरस्वती के स्वरूप में पूजा जाता है। नवरात्रि में जिन देवियों के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है उनमें माँ सिद्धिदात्री को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें संपूर्णता की भी देवी कहा गया है। वैसे तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन नवरात्रि के नौवें दिन को श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा से इनकी पूजा करने वालों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कहा जाता है साधारण मनुष्यों के लिए ऋषि मुनि और देवता भी हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा व साधना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की साधना से सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा और उपासना विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी बताई गई है। सभी विद्याओं में सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक होता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
सिद्धिदात्री की उपासना से उनके भक्त को महत्वाकांक्षाएं, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, परदोष दर्शन, प्रतिशोध आदि सभी प्रकार की दुर्बलताओं से छुटकारा मिलता है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना से मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वरत्व और वशित्व जैसे 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है सिद्धिदात्री माँ, अतः इनकी पूजा से भक्तों को ये सब सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के कुछ प्रसंग माँ सिद्धिदात्री के विषय में हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति को सिद्धि, बुद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है और घर का कलेश भी दूर होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।